Please subscribe my channel and click on bell button. If you like my video, then click on like button and share my video. हेलो गाइस, गाइस कैसे हो? आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना व्हाट्सएप पर अगर आपको कोई ब्लॉक कर दे तो आप कैसे उसे मैसेज कर सकते हैं, मतलब कि कैसे उससे कंटेक्ट दोबारा कर सकते हैं। इसके लिए देखो फ्रेंड, मेरे पास दो मोबाइल है, दोनों में मैं चैटिंग कर रहा हूं एक दूसरे से, और एक नंबर से मैं आप ब्लॉक कर देता हूँ अपने कंटेक्ट को। देखिए, मैंने इस नंबर को ब्लॉक कर दिया। अब मैं इस नंबर से मैसेज करूँगा तो मैसेज नहीं होगा क्योंकि मैंने ब्लॉक कर दिया है। देखिए, मैंने हाय लिखा तो वो बोल रहा है पहले अनब्लॉक करो या कैंसिल, मैं कैंसिल कर दिया। अब इधर से मैं मैसेज कर लेता हूँ, देखिए सिंगल टिक होगी, उधर मैसेज नहीं आ रहा। फ्रेंड, अब आपको एक और मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास है नहीं तो आप अपने किसी फ्रेंड को बोल सकते हैं, उसका मोबाइल ले सकते हैं। सिर्फ एक काम करना होगा आपको, वो मैं बताता हूँ। मैं अपने दूसरे मोबाइल से, एक मेरे पास और मोबाइल है उससे मैं इन दोनों को का कनेक्ट बना दूंगा। देखिए फ्रेंड, करना कुछ नहीं है, उस व्हाट्सएप को ओपन कीजिए और ये दोनों नंबर सेव कर लीजिए, जिसने ब्लॉक किया है उसका भी और जिसको ब्लॉक किया, दोनों का नंबर। देखिए दोनों नंबर है जिसने एक दूसरे को ब्लॉक किया है। अब करना क्या है, अब थ्री डॉट आ रहे हैं कॉर्नर पर, वहाँ पर क्लिक करें, न्यू ग्रुप की ऑप्शन आ रही है, वहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लीजिए, जिसने ब्लॉक किया और जिसको ब्लॉक किया, दोनों को ऐड कर लीजिए और इस पे नाम लिख दीजिए ग्रुप का कोई भी। मैं चलो अनब्लॉक लिख देता हूँ क्योंकि वो ही वीडियो बना रहा हूँ उसके लिख देता हूँ, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। और देखिए टिक पर क्लिक कर दिए, ग्रुप ऐड हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि इस ग्रुप को आपने एक्सिट कर देना है। आप जो तीसरा मोबाइल है इससे आप ग्रुप डिलीट कर दो। देखिए मैं सिंपली जाके एक्सिट ग्रुप पर क्लिक कर देता हूँ, तो ग्रुप है जो मैं रिमूव हो चुका हूँ। अब दोनों ऐड हो चुके हैं। अब इस फ़ोन का कोई काम नहीं, इसे छोड़ दीजिए, अपने फ्रेंड को वापस दे दीजिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने दोबारा उन दोनों फ़ोनों में देख सकते हैं कि अनब्लॉक है जो ग्रुप है वो आ चुका है, तो वो हम दोनों ही ऐड हैं, जिसने ब्लॉक किया था और जिसको किया था, दोनों ऐड हैं। फ्रेंड, एक बार मैं फिर मैसेज करके दिखा देता हूँ कि वो अभी भी ब्लॉक ही है। देखिए, हम हाई लिखा है तो मैंने मैसेज सेंड किया, वो अभी बोल रहा है अनब्लॉक कीजिए। फ्रेंड, अब मैं बताता हूँ कि अब मैं दूसरे फ़ोन से, देखिए उस फ़ोन से मैसेज करके दिखा देता हूँ एक बार, तो वो उससे भी नहीं हो रहा सेंड। देखिए, मैं सिंपली मैसेज किया तो मैसेज नहीं जा रहा, देख सकते हैं आप, अभी भी वो ब्लॉक है। अब फ्रेंड, मैं जो ग्रुप ऐड किया था उससे मैसेज करूँगा, हम दोनों ही तो ऐड है और कोई ऐड नहीं है। हाई लिखा, अब देखना कि उसमें मैसेज पहुंच जाएगा, देख सकते हैं कि उस वहाँ पर मैसेज पहुंच चुका है। अब मैं इधर से भी वही मैसेज करूंगा, देखते हैं वो उधर जाता है या नहीं। देखिए आप, इधर से भी वो मैसेज पहुंच चुका। फ्रेंड, ऐसे आप अगर कोई आपको ब्लॉक कर दे तो आप एक ग्रुप तैयार करके आप वहाँ से रिमूव हो जाए, बस दोनों को ऐड रहने दीजिए और वो चैटिंग कर सकते हैं, दिक्कत की बात नहीं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा।